देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में अगले दो दिन तक कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। वहीं आईएमडी के अनुसार अगले दो दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में घने से घना कोहरा छाया रहेगा, जिसका असर निश्चित तौर पर सड़क, रेल और हवाई यातायात पर पड़ने वाला है। दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी वजह से ठिठुरन बनी हुई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से फिलहाल राहत नहीं मिल रही है। वहीं राजधानी दिल्ली में राज्य सरकार ने स्कूलों में ठंड की छुट्टियां बढ़ाने का आदेश वापस ले लिया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर के चलते स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा हो गई है। वहीं राजधानी लखनऊ में भीषण शीतलहर के चलते स्कूलों में छुट्टियां बढ़ा दी गई है। वहीं मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम, मध्य और दक्षिण भारत के कई राज्यों में ओलावृष्टि और बारिश का पूर्वानुमान भी जताया है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के राज्यों पर पड़ेगा। इस वजह से 8 से 10 जनवरी के दौरान गरज और ओलावृष्टि के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान है। आईएमडी के मुताबिक राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के अलावा महाराष्ट्र और गुजरात में बारिश की संभावना है। एक तरफ जहां उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है, वहीं मौसम विभाग ने दक्षिण भारत में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं केरल में भी 2 दिनों तक भारी बारिश और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में भी हल्की बारिश होने की आसार है। जम्मू कश्मीर के घाटी वाले इलाके में तापमान 0 से 6 से 7 डिग्री नीचे आ रहा है, जिसके कारण वहां झीलें जम गई हैं और राज्यवासियों को काफी दिक्कत हो रही है।